मम्मी जी सॉरी। क्यों आई? जो मैंने आपसे कहा ना उसके लिए माफी मांगने आई हूँ। क्या लगती हूँ तुम्हारी, क्यों माफी मांगने आई? मम्मी जी प्लीज। पाल पोस के तुम लोगों को बड़ा किया, तुम लोगों की खुशियों के ख्वाब देखे, जिंदगी गुजार दी, बाकी जिंदगी भी तुम लोगों की खुशियों को गुनवाए, लेकिन क्या फायदा? तुमने ठीक कहा, क्या फायदा मेरी इस मोहब्बत का? मैंने किया ही क्या है, उल्टा तुम्हारी बहन की जिंदगी की बर्बादी का सबब भी बनी। मम्मी मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये। बस रमशा बस, तुमने ठीक कहा है। चलो जाओ यहां से, मेरे पास मत बैठो। दुश्मनों के पास थोड़ी बैठते हैं। मम्मी सॉरी। बाबा आपने मुझे बुलवाया था। मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी लड़की हो और काफी समझदार भी हो, इसलिए उम्मीद करता हूं कि तुम रिश्तों की नजाकत को बेहतर समझोगी। उमेर बेटा, शादी एक इम्तिहान होती है और जो इसे निभाने में कामयाब हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। जी अम्मी। मैं जानती हूं बेटा कि बुशरा से शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी, मगर अब तो शादी हो गई ना, उसे निभाने की कोशिश करो। बुशरा ने आपसे कहा क्या है? बुशरा ने कुछ नहीं कहा मुझसे। उमेर अकलमंद है लेकिन उसे रिश्ते आसानी से समझ नहीं आते। मेरे कहने पर उसने शादी तो कर ली है लेकिन शादी क्या होती है ये उसे समझ नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि तुम इस सिलसिले में उसकी मदद करो। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? यही कि उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि उसकी जिंदगी में बुशरा के अलावा और कुछ जरूरी नहीं है। जी? तुम्हारी और उमेर की दोस्ती भी नहीं। बेटा, बुशरा अब तुम्हारी बीवी है, उसे कुछ अहमियत दिया करो। अम्मी, ये रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, आप यही बात उसे क्यों नहीं समझाती? उसे भी मैं समझाऊंगी, मगर तुम मुझसे वादा करो
कि तुम मेरी बात पर गौर जरूर करोगे। जी। खुश रहो। जैसा आप ठीक समझे। क्या कहा तुमने अम्मी से? मैंने क्या कहा है? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानता हूं जो कुछ तुम करती फिर रही हो। सुधर जाओ वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं क्या? आप इस पोजीशन में हैं? तुम क्या करोगी ज्यादा से ज्यादा? अपने घर चली जाओगी ना? तुम्हारी इन धमकियों से डरता नहीं हूं मैं। आप और पाकीज़ा जो सबकी नाक के नीचे खेल खेल रहे हैं ना, वो मैं सबके सामने ला कर ही रहूंगी। और हाँ, अगर मैं अपने घर गई तो आपकी प्यारी बहन वो भी अपने घर में ही बैठी रहेगी। हेलो इरम। इरम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ गायब हो पाकीज़ा? ना तो मेरी कॉल्स अटेंड करती हो ना कॉल बैक करती हो। तुम तो जानती हो यहाँ हालात कैसे। अच्छा खैर, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ बोलो। इरम घर में क्या हालात हैं? सब खैर है ना? अम्मी, अप्पा, रमशा, कहीं शहजाद भाई ने रमशा को? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है घर पे। इनफैक्ट रमशा की शादी होने जा रही है और ये गुड न्यूज देने के लिए मैं तुम्हें कॉल्स कर रही थी। वाकई? कैसे लोग हैं? कौन लड़का है? रमशा खुश है? अरे सांस तो ले लो, अभी मुझे सिर्फ उसकी शादी होने जा रही है इतना ही पता है, बाकी की डिटेल्स मैं कल बता दूंगी। तुम कल जाओगी? हाँ जाऊंगी। अच्छा सुनो,
क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं बाकी सर, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा कुछ नहीं करना। पता नहीं रमशा के ससुराल वालों को तुम्हारे बारे में क्या बताया है तुम्हारी फैमिली ने। अभी ऐसा कोई रिस्क ना लेना। मैं नहीं जा सकती, लेकिन रमशा तो आ सकती है ना। तुम क्या कहना चाह रही हो पाकीज़ा? मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई बेवकूफी तुम्हें करनी चाहिए। इरम, मेरा बहुत दिल है, प्लीज मुझे मेरी बहन से मिलवा दो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पाकीज़ा, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि वो खुश है या नहीं। अच्छा प्लीज, अब तुम रो तो मत, तुम्हारी तबीयत वैसे ही खराब है। तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा तुम मुझे उससे मिलवाओगे ना? वादा करो मुझसे। देखो मैं वादा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अम्मी के लिए भी कुछ पैसे भिजवाने थे। वो मैं ले जाऊंगी, डोंट वरी। लेकिन तुम अपना ख्याल करो, ठीक है? अभी आराम करो, कल दोबारा बात होती है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कब अकल आएगी? सारा बना बनाया खेल तुमने बिगाड़ दिया। तो फिर क्या करूं? आंखें बंद करके बैठी रहूं और वो दोनों इश्क लड़ाते रहे? उमेर तुम्हारा शौहर है बेवकूफ लड़की, कोई कुछ भी कर ले वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? मेरी जगह क्या है? मेरी जगह? उमेर मुझे देखता नहीं, मुझसे बात तक नहीं करता। बताएं क्या है मेरी जगह? अगर वो तुम्हें जगह नहीं दे रहा तो तुम अपनी जगह खुद बनाओ। मगर ऐसी हरकतें मत करो कि तुम उसके दिल से उतर जाओ। उसके घर वालों के दिल पे राज करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारी तारीफें हर एक के मुंह से सुनके खुद ब खुद उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाए। ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। अगर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो फिर मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। इनके अलावा और बैंक में कितने पैसे? भाई वो जितने पैसे थे वो तो फर्नीचर वाले को दे दिए। अरे तो इन पैसों में सब कुछ कैसे होगा? और वो उनकी गाड़ी की फरमाइश?
हाँ देखो, अल्लाह कोई सबब बना देगा, क्या करें। अम्मी, आप जो मुझे ये सोना दे रही हैं, क्या ये बहुत ज़रूरी है? मतलब आप लोग चाहें तो उसको बेच के ज़रूरत पूरी कर लें। अरे कैसी बातें कर रही, वो गाड़ी की फरमाइश कर रहे हैं, तुम सोना बेचने की बात कर रही हो। अरे मुझे तो डर है कि कहीं बाद में तुम्हें ताने ही ना दे कि 5 तोला सोना लेके आई। तुम नहीं जानती हो दुनिया को भाई। ये क्या बात हुई भला, मुझसे शादी कर रहे हैं या इन सब चीजों से? अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं करनी शादी। ऐसी बात नहीं करते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर ये हमारा मसला है, तुम्हारा मसला कोई नहीं। जाओ अंदर जाओ। जाओ बेटा जाओ, जाओ। क्या करती हो तुम, बच्चे के सामने ऐसी बातें की जाती? सिर्फ छोड़े इस बात को, मुझे तो बहुत परेशानी हो गई है, गाड़ी किस तरह करेंगे? मैंने बैंक मैनेजर से बात की, शायद कुछ कोई वो क्या कहते हैं उसको, होडी होडी। भाई आज केक बुशरा ने बनाया। यम्मी, दैट लुक्स डिलीशियस। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। भी ना ढंग से खाते ही नहीं, यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही करते थे, आधा खाते थे आधा घिराते थे। मैंने तुम्हारे वालिद से पूछा कि भाई सेहत की तरफ ध्यान दो, बहुत कमज़ोर होते जा रहे। कहने लगे मियाँ चश्मा लगा कर देखो। वाकई मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ। तो लेना जी, मैं बाजार तक जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँ। जी अच्छा, कैसी हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बैठो या मेरे पास बैठो। पाकीज़ा का कुछ पता चला? नहीं आंटी, फिक्र ना करें, जहाँ होगी बिल्कुल ठीक होगी। न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं माँ हूँ बेटा, मैं उसे कैसे बुला सकती हूँ? इतना वक्त गुजर गया, सब कुछ हो गया, मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देख लूंगी, दिल को सुकून नहीं मिलेगा। आ जाएगी आंटी, आ जाएगी। हावी,
जाओ बेटा, रमशा से कहो पाकिजा की सहेली इरम आई है, जाओ। कोई पता नहीं कहाँ है। अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन कुछ पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप परेशान मत हो। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। बस आंटी मसरूफियत थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कभी कभी इसका मिजाज ऐसा हो जाता है। तुम बताओ अम्मी ठीक हैं तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। चाय पियोगी बेटा? आंटी तक तकल्लुफ ना करें। अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी। रमशा से मुलाकात हुई? नहीं, कमरे में। हाँ पाकीज़ा। खुद पे काबू नहीं रख पाई ना, अगर सबके सामने ऐसे ही अपने प्यार का इजहार करोगी तो सबको शक तो हो जाएगा ना। सबको शक हो गया ना, मुझे पता था। मैं भी बहुत पागल हूँ, सब कुछ जानते हुए भी कुछ देर के लिए भूल बैठी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस भूलने की वजह कुछ और है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम रमशा से मिलोगी तो कोई मसला नहीं होगा? आज के बाद फिर कभी मेरे उससे मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं? अगर फैसला कर ही लिया तो फिर ज्यादा सोचो मत। इरम से बात हुई है? नहीं, बात नहीं हुई। वो इस वक्त घर पहुंच गई होगी, मुझे कुछ नहीं पता वहां क्या होगा उनका। परेशान मत हो। और ये जो खौफ है ना, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर है, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कैसे जा सकता हूँ मुझसे? घर वालों को क्या बताएंगे हम? किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तुम मेरा वेट करो, मैं कोई बहाना बना के आता हूँ। तुम खुश हो शादी से? हाँ, अम्मी अब्बा को जो मंजूर, मैं उसी में खुश हूँ। चलो अच्छी बात है। अच्छा मेरे पास ना एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अब तो दिलचस्पी नहीं रही ऐसे गिफ्ट्स में। सॉरी, ऐसे नहीं कहना चाहिए था मुझे। इट्स ओके, वैसे भी मेरा गिफ्ट इतना बड़ा है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। दिलचस्पी तो बहुत मामूली सी बात है। ऐसा क्या है बताती हूँ।
अम्मी ये रम्या क्यों आई है? क्या मतलब है क्यों आई है? रमशा की शादी में शरीक होने आई है और क्यों आई है? और तुम्हें क्या हो गया? शादी में शरीक होने नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा शादी में शरीक होने नहीं? अरे कोई नई बच्ची है क्या? बचपन से हमारे घर में आती जाती रही है और उसके आने से तो मेरा बोझ हल्का हो गया है। पाकीज़ा की खुशबू आती है मुझे उस। अभी तक इनको पाकीज़ा की खुशबू आती है। उमेर क्या बात है? आप बाहर जा रहे हैं? ज़ाहिर है बाहर ही जा रहा हूँ। वो मुझे एक काम था। शाम में बात करें। नहीं अभी ज़रूरी काम। जल्दी बोलो मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है, मुझे भी साथ ले चलो। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ ना, मैं अपने सारे काम छोड़कर तुम्हें लेके नहीं जा सकता। उमेर ये मैं क्या सुन रही हूं? क्या हुआ है? अम्मी मुझे सामान लेना था, मैंने कहा साथ ले चलें तो कह रहे हैं ड्राइवर के साथ चले जाओ। बहुत बुरी बात है उमेर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे साथ नहीं लेकर जाओगे तो कौन ले जाएगा? लेकिन अम्मी मैं काम से जा रहा हूं। मैं ओहो सारे काम होते रहेंगे, पहले तुम इसे लेके जाओ। इतनी देर हो गई, उमेर अभी तक नहीं आया, कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया? सॉरी उसके पास लेके जाऊंगी, लेकिन धीरे। कैसे हम यहाँ क्या बोल के जाएंगे? मैं तुम्हें लेके जाऊंगी ना, कह रही हूँ, और हम यहाँ पे ये बताएंगे कि मैं तुम्हें पार्लर लेके जा रही हूँ, और तुम्हारी ये बाकी के जितने भी सवाल है ना तुम खुद बाकी से जाके पूछ लेना। हम जाएंगे ना? हाँ बाबा, हाँ। थैंक यू, थैंक यू। चलो जल्दी से तैयार, अभी जाएंगे। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आके। मामी इसका रंग कुछ फीका सा नहीं हो गया? अरे भाई खराब कर दिया कमबख्त ने सस्ते के चक्कर में। अम्मी वो आपसे एक इजाज़त लेनी थी। किस बात की इजाज़त थी? वो मुझे पार्लर जाना था। पार्लर? भाई मोहल्ले में बेटा बहुत अच्छी लड़की है पार्लर वाली, बहुत अच्छा काम जानती है वो। आंटी मैं इसे बहुत अच्छे पार्लर लेके जाऊंगी, बस अब मना मत करें। अच्छा जैसी मर्जी, इस तरफ करो, इस तरफ। ये मेरी तरफ से रमशा की शादी का तोहफा है। शादी का तोहफा? अरे इतने सारे पैसे? नहीं बेटा, बेटियों को तो दिया जाता है,
लिया थोड़ी जाता है कोई। आंटी प्लीज मना मत करें, क्या फर्क पड़ता है, ये मेरी बहनों की तरह है। मैं इसको कोई गिफ्ट देती लेकिन पता नहीं इसे पसंद आता या नहीं, इसलिए पैसे दे रही हूँ, शादी में काम आ जाएंगे। आप ये समझे कि पाकिजा ने दिए। अच्छा आंटी अब हम चलते हैं, पार्लर में भी बहुत टाइम लग जाएगा। बेटा ये कपड़े अलमारी में रख दो। अच्छा ये दुपट्टा भी लपेट के रखो। भाई जरा जल्दी आ जाना, देर हो जाएगी तो। नहीं 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 हम जल्दी आ जाएंगे। चलो मैं दरवाजा बंद कर दूं। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ आंटी। कहाँ जा रही हो? वो इरम से पार्लर लेके जा रही। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? चलो जाओ बच्ची हो जाओ तुम लोग, खुदा हाफिज़। जाओ, हर बात में टांगड़ आना जरूरी है। चलो आओ खाना खा लो। शहजाद, 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 कहाँ जा रहे हो? घर में इतने काम पड़े। ये ज्यादा जरूरी काम है। अल्लाह जाने कौन से जरूरी काम पड़े हुए इसके। कुछ भी नहीं हूँ।